इससे पागल है क्या? अपना ब्लॉग में इसको कभी ना दूं मैं अपना। आज तक मैंने अपना ब्लॉग एडिटर से एडिट नहीं करा आज तक। करा के देख जो बज रहे है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो बज रहे है खा दिया जाएगा, इसलिए तो एंड होता है। Hey, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting our day with same energy, the same intensity. यार मेरे को ऐसी ग्रीन ये जो होती है ना टिंडे फिंडे, मेरे को भूख लगी है जोरदार यार। सोच रहा हूँ मैंगो खा लूँ। मेरी आजकल आदत लगी है कि मैं डेली रात को मैंगो खा के ही सोता हूँ। एक बार तो रेबल मैं और मॉर्टल जो दबा के आम खाए हैं, उसका एक जो जम्बो पीस होता है ना मैंगो का, ये जो पहला पीस कटता है सबसे बड़ा, वैसे एक हल्का सा स्कैम हो गया था। पता है आज वो सब्जी बनाई थी ना, सबकी सब लोग इडली और सांभर खा रहे हैं, किसी ने रोटी चावल नहीं खाई आज। गाइस मिक्का सिंह इज ऑन अ कॉल विद हनी सिंह। भाई इससे ज्यादा थकाने वाला शूट ऐसे ट्यूबवेल के वीडियो के लिए नहीं हुआ होगा। और ये लोग जो बीच में दो दो तीन तीन सुनो सुनो थाउजेंड्स ऑफ टेक्स। चेतन की जो गाइस सर दिखे ना वीडियो में, आप देखना जो असिस्ट वो गेम था तो दिखेगा ही। बम लग रही थी तुम्हारी, बम चिकी चिकी बम। शाबाश बॉयज, शाबाश। वेल प्लेड वाइपर, थैंक यू। करते हैं क्या? अरे डरे हैं, जिम करे हैं। गाइस इतना थक चुका हूँ, मेरा अभी व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं है। आज ये जो धूप में शूट होते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस पानी पीते हो, कुछ ना कुछ पानी देता रहे हमें कोई। एडिटिंग करते हैं अब लास्ट वाले व्लॉग की। आज के दिन में मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, और ऐसे तब लगता है व्लॉग करूँ ना करूँ, बट रेगुलर चल रहे हैं। गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं। तूने मेरे को क्या करा था थोड़े दिनों पहले, याद है? उधर 1 मिलियन में मैं उधर आराम से लेटा हुआ था, तू मेरे गंजा कर रहा था, मैं भी ऐसे ही था। माफिया। हेलो। अरे हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। एक बंदा ना डेली जिम जाता है, आज मैं जा नहीं रहा भाई। जिम रेडी हो गया क्या? सबको एक एक चांस मिलेगा, हर चांस एलिमिनेट बिफोर 8 आवर्स। मेरा बिफोर 6 आवर्स था। डिस्ट्रैक्ट किया इसने मेरे को। और उमंग ने जो बीटी कर रहा है पंचर हो चुका है बॉल, वी कैन नॉट यूज दैट अगेन। हवा खत्म हो गया उसका। फिर के लिए खाना है क्या? गाइस रेबेल पता है क्या बोलता है? स्टे सेफ स्टे सैटिस्फाइड। भाई क्या सर, एक मिनट सच्ची बता, सैटिस्फाई होना भी जरूरी है ना लाइफ में? मैंने गलत क्या बोला भाई? हमारे साथ ये बच्चे रहते हैं भाई, मासूम मासूम। तूने क्या बोला? इनको क्या पता स्टडी मटेरियल क्या होता है भाई? क्या बोला भैया आपने? बोलना ही बार भैया। अरे भैया, अरे भैया रुक जा, तेरे को स्टे सैनिटाइज्ड। ऑब्वियसली स्टे सैनिटाइज्ड मतलब ऐसे ऐसे रहेंगे क्या भाई? हाथ वगैरह सैनिटाइज करके रखो। ये मशीन, ओए सुन कहाँ भाग रहा है, इधर आना। हेलो तू दिखा अपना। अबे ये कैमरा पकड़ पहले। हाँ ये ले भाई कैमरा पकड़। ऐसे कर देगा तेरा भाई। हर दिन व्लॉग निकालता है ना, तो हर दिन ऐसा करना कि बंदे का फोटो और उसके बाजू में उसकी टी शर्ट का कलर हर रोज का डालते रहना। तो लोग अपने आप कंपेयर करेंगे कौन सा दिन इसने कौन सा कलर पहना। लोग ऐसे ड्रिल में नहाया कौन नहीं, कहीं तो टॉप कर रहा है। माफिया का तो आप लोगों ने एक्सपोज कर ही दिया कि लास्ट 4 व्लॉग से माफिया ने वही व्हाइट और ब्लैक वाले टी शर्ट पहना। आज का तारीख 20 तारीख है, ठीक है? ये किसी को बताना। माफिया का ये वाला टी शर्ट है आज का। तो गाइस आज 23 तारीख है, फिर से देखो सेम टी शर्ट पहना है। माफिया चेंज कर ले भाई, रेबेल भी परेशान हो गया है भाई। देखो फट जाएगा लोग। रेबेल ने भी चेंज नहीं करा है। इनका कॉम्पिटिशन चलता है क्या? तुम्हारा यूनियन है क्या कुछ? मैं इन सबका बॉस हूँ। यूनियन है ना, इनके सारे फॉलोअर्स चले जाएंगे पता लगा तो। जो बात हो रही थी अभी जोरदार पुल की ग्रुप में गलत। वो मर्सी ने बहुत बढ़िया तरीके से उसने एक प्रोपोजल रखा था ग्रुप में। ई स्पोर्ट्स का फील ये मेरा आता है। इनके में मीडियम नहीं आता भैया, मतलब अगर लार्ज पहनेगा तभी लार्ज वाला मीडियम आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? एक टाइम पे ये शर्ट ढीली हुआ करती थी पता है। अबे चेंज कराया। अबे तुम क्या पबजी खेलने जा रहे हो क्या? सही है भाई माफिया, मेरे भी नहीं आ गया भाई आज खाने के लिए। क्या बना खाने में? अरे अज्जू भाई से बात करनी है क्या? गाइस अभी अक्षु एक चाटा खा के आया किसी से, बता दे किससे खा के आया। मैं अभी जिम करके आऊंगा। जिम करने से कान लाल होते है क्या? मैं अभी इसलिए तो शौक नहीं, जिम करने से कान लाल हो रहे हैं। मैं तो नॉर्मल, आई वाज कंसर्न्ड फॉर हिम कि भाई लाल कैसे हो गया। किसी ने अगर कुछ करा हो तो भाई तुम्हारा भाई ना बॉल हमारे साथ फाउल हुआ पता है। गाइस अब इन सब लोगों का वैलोरेंट खेलने का प्लान है 5v5, सो मैं सोच रहा हूँ कि कास्टिंग कर लूँ, लाइव स्ट्रीम कर लूँ अपने चैनल पे। अब देखते हैं कि इफ आई कैन डू इट और नॉट, बिकॉज बहुत सारे लोग आसपास ही रहेंगे, मतलब मॉडल का रूम मेरे पास है, मर्सी का मेरे पास है। बैक टू क्रिएटर जोन। सो दोनों को मेरी आवाज जाएगी और कास्टिंग उन दोनों को भी सुनाई देगी, दैट मीन्स थोड़ा सा एडवांटेज उन दोनों को मिलेगा अपनी अपनी टीम के लिए। मैं 5v5 कास्ट कर लूँ क्या?
डन मर्सी ओपी करता था ना अगर तुम खेलोगे अच्छा तो ओपी करेंगे क्या खेलो खेले अच्छा खेले ना खेले ओपी जी अगर नहीं खेलोगे तो टोपी मिलेगी लाइव है भाई बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पर लाइव नहीं करी आगे मतलब हमारा वैलोरेंट का थीम वाला पीसी और हम ही वैलोरेंट नहीं खेलते मेरे को खेलने का मन ही नहीं करता बट कोई नहीं कास्ट करके देखते हैं सीखते हैं गेम वैलोरेंट जितना मैंने पबजी मोबाइल या एक्स वाई जेड कोई और गेम खेला पबजी पीसी मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा खेला है क्या लग रहा है वॉलपेपर ऐसे डेस्कटॉप वॉलपेपर को बहुत बढ़िया लगता है स्पेशली स्पेस वाले रेट मेरे दोनों के दोनों फोन में भी इस वाले फोन में भी सेम स्पेस वाला है मून से अर्थ की फोटो एंड अपने 12 प्रो मैक्स में भी सेम अर्थ का ही फोटो आई एम ऑब्सेस्ड विद दीस काइंड ऑफ वॉलपेपर सो यस स्पेस के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अगर मेरे को जो भी नॉलेज बता सकता है चैट में वो मेरी ओशन से बहुत ज्यादा बात होती है इस चीज के बारे में मॉडल को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज के बारे में तो हम लोग कभी ना कभी बीच में डिस्कशन करते रहते हैं सो गाइस वी आर जस्ट डन विद द स्ट्रीम और 5 vs 5 हुआ था और जिसमें मैच कोच था वाली टीम जीत चुकी थी जस्ट लॉस्ट आखिरी मैच होते हुए मैं ऑब्जर्वर में जा रहा था नीचे कोच में रह गया भाई कोच में सिर्फ एक ही टीम को देख सकते हैं दूसरी टीम का ना कुछ देखेगा जैसे तेरे पीओ में देखेगा वैसे देखेगा इनको देखो अभी भी लाइव बैठा हुआ है माफिया ने क्या बोला पता है पिकाचू पिका पिका कट करूँ क्या ऐसा गंदा बोला है क्या गंदा नहीं बोला एक चीज में हगा है तुम लाइट तो बंद कर दो कर रहे हैं मुझे जाना है पिका ये लोग अभी गए हैं दूसरा को शूट करने के लिए जो सुबह इन्होंने गलत शूट करा था बीग आदित्य इज आल्सो नॉट इजी राइट सबसे ज्यादा तू ही सुनाता है जैसे तो काम करते वरना सोता रहता है एडिटिंग करते इधर मान ले मैं और नमन बैठ के बात कर रहे तो ऐसे ऐसे करते बस पीछे बैठे और बात सुनो अगर एक एडिटर को मेंटल पीस ना मिले ना तो वो एडिटर काम नहीं कर सकता अच्छे से बिकॉज थर्ड पार्टी तुम्हारे पास आइडियाज ही नहीं आएंगे और तुम माहौल ही नहीं देते उसे मैं एज एडिटर उसकी तरफदारी कर रहा हूँ जस्ट फॉर अ चेंज आज बहुत माहौल दे रहे ना तुम माहौल क्या दे रहे हो अरे आदित्य को बुला के पूछाओ कितना माहौल दे रहे हो टाइम ही नहीं मिलता क्रिएटर को भी टाइम नहीं मिलता एडिटर क्या क्रिएटर को टाइम नहीं मिलेगा वो कैसे करेगा पता तुम्हें तो जाके सिर्फ इनेक्ट करके आ जाना ना इनेक्ट क्या क्या इनेक्ट करेगा आदित्य थोड़ी बताता है हमारा शूट होता है ना उसमें भी आदित्य कैमरा लेके इधर उधर घूमे बैटरी खत्म हुई बैटरी चार्ज करो फिर उसके बाद बोलता है अरे मेमोरी कार्ड खत्म हो गया भाई 3:30 बजे उसको बोलता भर क्या तो एज एडिटर एज अ कैमरा पर्सन एडिटर की बात नहीं है अगर बिलियनर बनना है दिन में आपको 6 घंटे से नीचे सोना है गाइस देखो मर्सी का रूटीन फॉलो कर लो बिकॉज ही इज अ बिलियनर नहीं नहीं मैं बनने जा रहा हूँ बन चुके हो तुम चुके क्या हो जा रहा चुके हो वैसे इसका आजकल कुछ ज्यादा ही है क्रिप्टो करेंसी में स्टॉक मार्केट थोड़ी स्टॉक मार्केट में भी हम आ गए अभी हर्षद मेहता और व्हाट मेहनत करना तो जरूरी ठीक ही है लेकिन सो मत बे ज्यादा सोने से फायदा नहीं जगो दिमाग को जगा के रखो जिम से पहले भी मत सो पहले आज मैं सो गया था आज मुझे बहुत नींद है सही है भाई एडिटर का काम इतना आसान नहीं होता भाई मैं सुबह से आज पता है 2 वीडियो एडिट कर चुका हूँ और आज रात को तीसरा करूंगा जो ये रिकॉर्ड हो रहा है इनका शूट ही खत्म नहीं हो रहा है भाई तेरी लाइफ आसान है कि नहीं है आसान लगता है तुम लोग को 6-6 घंटे आज 6 घंटे नींद लिया है सिर्फ अभी तक चालू ही है काम ठीक है कल रात को मैं 6 बजे तक थक्का ब्लॉग एडिट कर रहा था 5 बजे तक कर रहा था फिर रेंडर किया उसको भेजा उसने मतलब 6 बजे सोया था ठीक है आज सुबह किसी का शूट था तो 12 बजे उठ गया 12 बजे उठा है 12 बजे उठा है हमने 2 बजे हम लोग नीचे आए लेकिन भी कैमरा लगा नहीं अच्छा मतलब धूप में रखते कैमरा जब तक आए तब तक कैमरा को नहीं 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 कैमरा नहीं यार वो मर्सी धूप में नहीं रख सकते कैमरा इधर आओ कैमरा का सेटअप किसने किया केतन ने किया इसने थोड़ी किया वैसे वो तो पॉइंट है थैंक यू मर्सी थैंक यू ना 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 ये सब जैसा बात है अगर ये खुद आके बोलता मर्सी भाई ऐसे करके इधर कैमरा लगाएंगे ऐसा करके लगाएंगे इसको बोला जाता है इधर लगाओ ये बस लगा देता है दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल करता तब हम लगता कि हाँ तुम एडिटर एक बात थंबनेल भी बनाना नहीं आता चलो ठीक है मैं एक बार को मान लूंगा कि ये मेरे से बेटर एडिटिंग करता है चलो ठीक है बट थंबनेल के मामले में वो टाइम कम मिलता है 5 मिनट में बनाता हूँ वीडियो अपलोड होने के पहले पहले एडिट कर लो ना आज का वीडियो के लिए 2 दिन मिला है इसको कल थंबनेल क्या लगाएंगे वही देखो देखो एक सिनेमेटोग्राफर जो भी होता है ना वो एडिटिंग के टाइम पे एडिटिंग नहीं करता है जब शूट करता है ना तभी एडिटिंग के बारे में सोच रहा होता है कि ये मैं जो शूट कर रहा हूँ उसका एडिटिंग में मैं कैसे डालूंगा सिनेमाटोग्राफर है ही नहीं हम एडिटर है सिर्फ बोल तो रहा है टर्मिनेट नहीं पैसा कम होगा और क्या ये अच्छा कर लेता है लेकिन वही कभी कभी नखरा दिखाता है ना देखो सीधा सा बात है मैगी भी खाने देते हैं खाने देते हैं मैगी भी खाने देते हैं जब चाहिए मैगी देते हैं रात को छोड़ गाइस उस दिन क्या हुआ थग ने गोल्डी बॉय और वाइपर का जो इंस्टाग्राम है वेरीफाई करा दिया ठीक है सो उस दिन क्या हुआ आदित्य ने देखा ग्रुप पे आया हुआ है हमने वो वाइपर को मैसेज इसलिए किया तुझे पता है क्या बोला था कह रहा 450 रुपए में तेरा वेरीफाई करा दूंगा एडिटर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता झूठ अच्छा बोलता है लेकिन ज्यादा अगर तू अगर बोलेगा तेरा मम्मी का मैसेज दिखा है जा जा बैठ के देखो एडिटिंग करने दोगे मम्मी ने बोल के भी रखा है नवरात्रि में फ्री में काम करके देगा ये भी स्कीम है क्या ब्लॉग एडिट कैसे करता है ब्लॉग ब्लॉग की वो 30 लगता है मेरे को
तेरा भी तो करा था, टट्टी लगता है। बोल कौन रहा है जिसका खुद का ब्लॉग पूरा डार्क होता है, तो वही तो हम बोल रहे हैं मेरे दोनों एडिटर टट्टी है, एक ये भी है, ये पैसे वाला एडिटर है, वो भी पैसा वाला एडिटर है, वो थोड़ा कम लेते हैं ज्यादा लेते हैं, दोनों टट्टी। मेरा अभी तक चैनल 1 मिलियन हो जाता, मेरा कंटेंट हमको पता है कैसा है, लेकिन एडिटर्स की गलती। एक काम करना, तू भी एडिट करा के देख उससे, इससे पागल है क्या, अपना ब्लॉग में इसको कभी ना दूं। आज तक मैंने अपना ब्लॉग एडिटर से एडिट नहीं करा, आज तक करा के देख। अगर तूने मेरा ब्लॉग एडिट करा तो हिस्ट्री होगी इन 18 व्लॉग्स जो 2 साल से मैं बनाता आ रहा हूँ ऑन द डेली बेसिस। पहली बार तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा मेरे चैनल का ब्लॉग एडिट करने के लिए। अगर इसमें अगर कुछ भी हुआ गाइस, जो बज रहे हैं ना अभी, जो बज रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो बज रहे हैं उसको दिखा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, इसलिए तो एंड आदि होता है वीडियो आने के पहले, वीडियो थोड़ा सा डिले होता है जो भी है। सुनो इधर आओ, इधर आओ। एक जो इतना अपना मस्त वीडियो था उधर में आधे लोग को साउंड नहीं आ रहा, इनफैक्ट इसकी मम्मी को भी साउंड नहीं आया, पता है मम्मी ने इसको फोन किया, ये इतने पार्ट से साउंड नहीं आया, पूरा बूट कैंप में सबको साउंड आया, ठीक है, तो हमको नहीं पता, अभी ये इनका ही जिन इसने पैसा दिया होगा सबको मेरा। अबे तो तेरी मम्मी भी बोल रही है, तो उनको थोड़ी पैसे दिया होगा, बात करता है ना तेरा, मम्मी से भी पेड रिव्यूज ले रहा है। अभी तेरी मम्मी तेरे लिए थोड़ी बायस्ड होंगी, बाप कैसी बात कर रहा है भाई, डांट वाला इतना मस्त हम लोग ने कमेंट्री किया सब किया, ये जीता भी अपने कोचिंग से था, ठीक है साउंड वो। अबे यार ये मत डालियो भाई, अरे मत डालियो भाई, वापस से कह रहा है मत डालियो भाई, मत डाल ले अब क्या, ये क्योंकि रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि हटते हैं। एक सेकंड, अब मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ अपने ब्लॉग को एडिट करने के लिए, सो द हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। तेरे को पूरा दिन मिलेगा मेरे चैनल को एक्सेस, ठीक है, पूरा दिन, पूरा दिन कुछ भी कर सकता, पूरा दिन उठना तो नहीं होगा ना सुबह जल्दी, मेरे चैनल का काम है तो उठना पड़ेगा ऑब्वियसली, या तो रात को लेट सोना पड़ेगा, रात को जल्दी सो जाएंगे 3-4 बजे। गद्दे बिछाने, सही है भाई, गद्दे बिछाएगा यहाँ पे, WWE कराते हैं गाइस, मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो एक बढ़िया सा, सेकंड टाइम डिनर और वॉट ना जो बोला, इधर ही खाया तूने, आम भी खा रहा था याद है, अरे अरे गाइस मैंने खाया था डिनर, बोल रहा हूँ आया था नीचे। मैंने थोड़ी बोला कि मैं सेकंड टाइम डिनर और वॉट नहीं कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ, खाया नहीं मैंने, छोड़ दी, आधा घंटा हो गया। सो गाइस केतन काट रहा है आम, ऑरेंज काटो क्या, जैसे जंबो पीस होता है सबसे पहला जो पीस करता है वो हमेशा जंबो पीस बोलते हो, ये ले भाई बड़ा ले, ये ले भाई बड़ा ले ले, आधा खाया हुआ दे रहा है, तो तेरे को जंबो चाहिए तो ले ले जंबो पीस, हाँ ये ले ले, कौन है क्या कर रहा है भाई तेरे मुंह पे, जूम कर रहा है, जूम, हम खाते हुए जूम नहीं करते, रूल होता है, ये देखो भी आया, ये भी खाएगा, ये सोच रहा है कि एडिट कैसे करेगा, प्रेशर में है, पागल है क्या, सो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आप लोगों को पसंद आया होगा आई होप दैट, तभी मैंने एडिट करा और अपलोड करा यूट्यूब में, सो मिलते हैं आप लोगों का अगले व्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना, ऑल ओवर टेक केयर, पीस आउट, लाइक एंड सब्सक्राइब। टॉपिक टू ढूंढेगा, सब कुछ तू ढूंढेगा कि मैं क्या करूंगा, ठीक है, ठीक है, पूरा मेरा हाथ डायरेक्शन के नीचे काम करेगा ना तू, बाल कटवाने बार बार, ये तो जॉर्ड बार बार 20 रुपए लेता है, बीच से कंजा करना है।